सबसे पहले राइडिंग हॉर्स फाइटिंग स्टार्ट। इसमें शरीर का खाका छोटा बनाकर स्थायी बनाकर दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर से वार एक की गिनती पर दो प्रदर्शन करते हैं जोश वन काउंट उपरांत वन काउंट फोर पूरे जोश के साथ प्रस्तुति देते हैं ये प्रतिभागी सुखी वाजा जब दुश्मन राउंड की लाठी के सहारे से आक्रमण कर रहा है तो अपने आप को बचाव करते हुए किस प्रकार से दुश्मन को बचाया जाए इसमें दिखाई दे अब ये लेफ्ट हैंड फॉरवर्ड स्टांस राइट हैंड फॉरवर्ड स्टांस बैक स्टांस हैंड मूवमेंट्स इसके बाद की तकनीक है यदि तीन या तीन से अधिक दुश्मन एक साथ आक्रमण कर दें तो किस प्रकार से अपना बचाव किया जाए एवं दुश्मन को मार दिया जाए ये दिखाया गया है पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ अंजाम देते हैं ये प्रतिभा सुदान बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रतिभागियों द्वारा अगला फाइटर फाइटर किकिंग की टेक्निक बताते हुए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पर जोशीले अंदाज में दर्शकों द्वारा हर कार्रवाई को सराहा जा रहा है अगली प्रस्तुति है फाइटर फाइटिंग स्टांस कॉलर ग्रिप करके दिखा रहे हैं किस प्रकार दुश्मन कॉलर ग्रिप करता है तो अपना बचाव किया जाए और दुश्मन को गिराया जाए अगली प्रस्तुति है बॉडी हग यदि दुश्मन पीछे की तरफ से आपको पकड़ लेता है तो किस प्रकार से बचाव किया जाए ये दिखाया जा रहा है अगला है नेक चौक रियर साइड मतलब पीछे की तरफ से अगर कोई गर्दन को पकड़ देता है तो किस प्रकार बचाव करके दुश्मन को गिराया जाता है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति प्रशिक्षण के द्वारा यहाँ पर अगली प्रस्तुति है बॉडी हग मतलब पूरी तरह से आपको अगर पीछे से पकड़ दे तो भी किस प्रकार से दुश्मन से बचा जाए और उसे पकड़ा जाए इसमें बताया जाए दर्शकों द्वारा इस रोमांचित करने वाले प्रदर्शन का भरपूर आनंद उठाया जा रहा है अगर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दुश्मन स्टेट पंच का वार करता है तो किस प्रकार उससे बचा जाए और उसे मार गिराया जाए ये इस तकनीक में दिखाया गया अगली तकनीक में दिखाया जाएगा कि यदि दुश्मन के पास चाकू हो और वो सामने से वार कर रहा हो तो किस प्रकार से उसे बचाए जब चाकू का वार गर्दन लेवल पे हो तो किस प्रकार से बचा जाए ये भी दिखाया गया और चाकू का वार अगर पेट के लेवल पे हो तो किस प्रकार बचा जाए ये अभी इस तकनीक में दिखाया गया इसके उपरांत यदि दुश्मन हथियार बंद हो पिस्टल के साथ आगे से अटैक करता है तो किस प्रकार से बचा जाए ये अभी दिखाया जाए बहुत ही सुंदर तरीके से बल सदस्य ने यहाँ पर अपना बचाव किया और दुश्मन पर हावी हुए अगर उंगली ट्रिगर पे हो तो किस प्रकार से बचाव किया जाए ये अभी तकनीक में दिखाया गया अगर दुश्मन दोनों हाथों से पिस्टल को पकड़े हुए हो तो किस प्रकार से बचाव करना है ये भी देख सकते हैं आप पिस्टल के उपरांत यदि दुश्मन हथियार के साथ हो तो किस बड़े हथियार के साथ हो तो किस प्रकार बचाव किया जाए ये भी आप अगले प्रदर्शन में देख सकते हैं बहुत ही तेज और दुरुस्त तरीके से सभी कार्रवाई को करते हैं प्रशिक्षणार्थी बहुत ही सुंदर तरीके से बचाव किया गया एवं दुश्मन को मार गिराया गया दर्शकों द्वारा सराहा गया इस प्रदर्शन को
अगली प्रस्तुति में ग्राउंड फाइट दिखाई जाएगी, किस प्रकार से खाली हाथ दुश्मन के साथ लड़ा जा सकता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दर्शकों द्वारा तालियां बजाकर इनका लगातार प्रोत्साहन किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं ये प्रतिभागी, इसके लिए इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम एवं अभ्यास किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति ग्राउंड फाइट की यहाँ पर देते हुए दोनों प्रशिक्षण, और ये विश्वास दिलाते हुए कि अगर ये खाली हाथ भी हो तो किस प्रकार से दुश्मन को मार गिराएंगे और अपनी रक्षा कर सकते हैं तथा देश की रक्षा कर सकते हैं। अगली प्रस्तुति में टाइम स्टोर कर दिखाया जाएगा, जो बताएगा कि इनकी शरीर की में कितनी मजबूती है और जरूरत पड़ने पर ये किसी भी कार्य को किस प्रकार से अंजाम दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन यहाँ पर इस दल सदस्यों द्वारा, बहुत ही सुंदर तरीके से टाइलों को तोड़ते हुए। प्रदर्शन की अगली कड़ी में यदि आग लगी हो तो फिर भी ये टाइलों को तोड़कर दिखाएंगे और किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का भली भांति निष्पादन करने के लिए तैयार है। सुंदर तरीके से एक लहर की तरह ये सभी एक एक करके तालियों को छोड़ते हुए शरीर के विभिन्न हिस्सों से बहुत ही रोमांचित करने वाली यहाँ पर यह प्रस्तुति, दर्शकों द्वारा जोरदार तालियां बजाकर इसको सराहा गया। और अभी ये बल सदस्य टाइलों पर आग लगी होने के बावजूद भी उसको आसानी से तोड़ सकते हैं। इस बार एक टाइल नहीं बल्कि तीन तीन टाइलें होंगी, ये दिखाया गया है। सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर बल्कि किसके द्वारा, ये सब दिखाता है इनके शरीर की मजबूती और इन्हें कठिन प्रशिक्षण को। और अब टाइलों के बाद पत्थर को तोड़कर दिखाया गया है, बहुत ही रोमांचित करने वाली यह प्रस्तुति रहेगी। इसके लिए मैं सभी दर्शकों का ध्यान मैदान के बीचों बीच लाना चाहूंगा। इसमें प्रशिक्षणार्थी के पेट पर एक पत्थर को हैमर से तोड़ा जा रहा है, बहुत ही सुंदर यह रोमांचित करने वाली यह प्रस्तुति। दर्शकों द्वारा जोरदार तालियां बजाकर इसकी सराहना की गई। कठिन परिश्रम एवं लगातार अभ्यास के बाद सफल हुए हैं ये प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार के सफल प्रशिक्षण प्रदर्शन को प्रस्तुत करने में। और अंत में ऊंचाई पर रखी हुई टाइल को किक के माध्यम से तोड़कर दिखाया है इन प्रशिक्षणार्थियों ने। और अब इससे भी ज्यादा रोमांचित करने वाली एक प्रस्तुति आरक्षक तूफान डे द्वारा की जाएगी। सभी अतिथिगणों से एवं यहाँ पर उपस्थित बल सदस्यों से अनुरोध है कि मैदान के ठीक बीचों बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। और आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की मोटरसाइकिल को पेड़ के ऊपर से गुजारा गया, बहुत ही रोमांचित करने वाली यह प्रस्तुति। एक बार फिर से यही प्रदर्शन किया जाएगा, कृपया सभी मैदान के। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर और बहुत ही रोमांचित करने वाली प्रस्तुति यहाँ पर इन दर्शकों द्वारा। और अब इस प्रदर्शन के अंत में आरक्षक पीटीआई कैलाश समोता मौन चाक का प्रदर्शन करते हुए इसकी शुरुआत ब्रूसली द्वारा की गई थी, बहुत ही सुंदर तरीके से मौन चाक को घुमाते हुए।
बहुत तेज एवं दुरुस्त तरीके से इसका प्रदर्शन किया गया। तो इसी के साथ इस प्रदर्शन का यहाँ पर समापन है।